गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप सभी लोग? राइट नाउ मैं हूं गाजियाबाद के अपने DPUC पर, जो बहुत ही खूबसूरत है. आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ये सच में बहुत खूबसूरत है. ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल रहते हैं. गाजियाबाद का इतना खूबसूरत सेंटर आप सब लोगों के लिए बनाया हुआ है. आ जाइए आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव, और आज बातें करेंगे कुछ ओके लाइफ केयर के एथिकल्स पॉइंट को लेकर. मैंने हालांकि YouTube भी किया था, कल YouTube लाइव भी किया था, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी, बट सोचा वाई नॉट कि Facebook पर भी कनेक्ट किया जाए लोगों को. Facebook पर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें डिस्कस किया जाए. मैं इस समय हूँ गाजियाबाद DPUC पर, जो DPUC कुछ ऐसा दिखता है. ऑल ओवर मैं आपको अगर कैमरा जी इधर से इसका एंट्री है, यहाँ से शुरू है इसकी एंट्री. ये एंट्री गेट यहाँ से शुरू होगा, ये पूरा सेंटर, वहाँ गोदाम है, वो गेट से एंट्री होती है तो गोदाम है. ये पहला कैबिन है, ये सेकंड कैबिन है, ये मीटिंग हॉल है, ये पूरा मीटिंग हॉल है. 100 लोग आराम से बैठ सकते हैं. खैर एनीवे, देखा होगा आपने पहले से भी, ये भी एक मीटिंग रूम है जी. कुछ बातें करते हैं, मैं बैठ जाती हूँ पहले, और डिस्कशन करते हैं आपके साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो पॉइंट महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, आपसे डिस्कशन करेंगे. मैं कुछ बातें ऐसी सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ. मैं तकरीबन 7 जुलाई 2018 से ओके लाइफ केयर कर रही हूँ. 7 जुलाई 2018 से मैं ओके लाइफ केयर कर रही हूँ, और कुछ ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो पॉइंट इसके बड़े महत्वपूर्ण है. कुछ ऐसे पॉइंट है जिन पॉइंट के कारण ओके लाइफ केयर डे बाय डे ग्रो कर रही है. क्या पॉइंट है ऐसे? 7 जुलाई 2018 जब मैंने ओके लाइफ केयर को शुरू किया था, तो एक चीज बहुत अच्छी मानी थी, और वो ये चीज थी कि इस कंपनी की ऑनेस्टी, इस कंपनी के जो एथिक्स है, इस कंपनी का जो नेचर है, वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही प्योर थॉट है, बहुत ही प्योर ह्यूमिनिटी है इनके पास में. और जिसके पास ये चीज होती है ना, डे बाय डे वो ग्रोथ करते हैं. ऐसे कुछ पॉइंट जिन पॉइंट पे बात करते हुए, जिस पॉइंट पर काम करते हुए आज ओके लाइफ केयर इस इंडस्ट्री की एक रेवोल्यूशनरी कंपनी बन चुकी है. इनका सबसे पहला पॉइंट जो मुझे बहुत कनेक्ट हुआ था, फैक्ट्री से कस्टमर. अगर डायरेक्ट सेलिंग है तो फैक्ट्री से कस्टमर कनेक्टिविटी होती है, और फैक्ट्री से कस्टमर कनेक्टिविटी है तो प्रोडक्ट का प्राइस सही होना चाहिए. प्रोडक्ट का प्राइस बहुत सही होना चाहिए, जिसपे इन्होंने आवाज उठाई, जिसपे इन्होंने काम किया. और आज प्राइस वॉर जो है वो एक रेवोल्यूशन बन गया इस इंडस्ट्री के लिए. प्राइस वॉर एक रेवोल्यूशन बन गया आज इस इंडस्ट्री के लिए, सीरियसली. दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण इनका प्लान, मुझे लगता है कि इनका एक प्लान ऐसा है जिसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज किया जा सकता है, ये बोल के कि 2 सेकंड में बताया जाने वाला प्लान. 2 सेकंड में क्यों? रिटेल प्रॉफिट 2500 मैचिंग पर 2 इनकम, 50,000 मैचिंग पर 3 इनकम, और जितना जिन लोगों को ये बताएंगे उनकी कमाई का 10%. 2 सेकंड में प्लान बताया जाने वाला. कोई प्लान है तो ओके लाइफ केयर है. इट मींस इजीएस्ट प्लान, एक ऐसा प्लान बनाया जहां पर डेप्थ बिल्ड कर दीजिए, कैरियर बिल्ड हो जाएगा. क्या करिए? डेप्थ बिल्ड कर दीजिए, कैरियर बिल्ड हो जाएगा. अमूमन मैंने सुना था कि डेप्थ बिल्ड कीजिए स्टेबिलिटी आएगी, ब्रेथ बिल्ड कीजिए प्रॉफिटेबिलिटी आएगी. बिकॉज मैंने भी मल्टी लेग में काम किया हुआ है, लगभग 6 साल मैंने मल्टी लेग पर काम किया हुआ है. डेप्थ बिल्ड कीजिए स्टेबिलिटी आएगी, और ब्रेथ बिल्ड कीजिए तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी. पहला ऐसा प्लान बताया देखा मैंने जहां पर डेप्थ बिल्ड कीजिए स्टेबिलिटी आएगी, डेप्थ बिल्ड कीजिए प्रॉफिटेबिलिटी आएगी. यानी एक ही व्यक्ति को अलाइन किया जा रहा है, फोकस्ड किया जा रहा है कि भाई एक ही जगह काम करो, ये 2 लेग में डेप्थ बिल्ड करते जाओ, सब कुछ इसी में ही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी यहीं पर है, स्टेबिलिटी भी यहीं पर है, और मजा आ गया हमें काम करते हुए. और आज ये चेक के रूप में लोगों को दिख भी रहा है, कारण एक ही व्यक्ति को एक ही दिशा में अलाइन किया गया. जब व्यक्ति ऐसे भी भागता है और ऐसे भी भागता है, यानी वो पूरब भी भाग रहा है, वो दक्षिण भी भाग रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा नहीं ज्यादा प्रॉब्लम आता है. मैंने भी मल्टी लेग पे काम किया हुआ है, तो मैंने उस प्रॉब्लम को महसूस किया हुआ है, मैंने उस प्रॉब्लम को फील किया हुआ है. हैट्स ऑफ जो लोग काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ सीरियसली. बट नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता इस धरती पर. बट हां, अगर एज कंपैरिजन में बात करूं तो 2 लेग में डेप्थ बिल्ड करना ज्यादा आसान है, एज कंपैरिजन डेप्थ और ब्रेथ दोनों को बिल्ड करना.
राइट तो हमारा जो प्लान था वो प्लान ने रेवोल्यूशन क्रिएट किया, और ऑफ कोर्स करता भी बिकॉज मार्केट के लिए एकदम नई चीज थी ये। दो लेग में डेप्थ बिल्ड करने से स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बोथ, ये यूनिक चीज हुई। और जैसे ही कोई चीज यूनिक होती है वो मार्केट में रेवोल्यूशन क्रिएट कर देती है, और जो चीज मार्केट में रेवोल्यूशन क्रिएट करती है सीरियसली उसे कॉपी करने लगते हैं लोग। और आज ओके लाइफ केयर के प्लान को मार्केट में कॉपी किया जा रहा है। तो यस ऑफ कोर्स हैट्स ऑफ टू डीके सारन सर की सोच, जिन्होंने ऐसे प्लान को डिजाइन किया जो मार्केट में आज अपना एक बेंचमार्क सेट करती है, जो मार्केट में आज अपनी एक वजूद खड़ा कर चुकी है और जिसे लोग कॉपी करने लगे हैं। बट ऑफ कोर्स बोलते हैं कि किसी के प्लान को कॉपी किया जा सकता है बट उसे पेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, पेस्ट कर भी दिया तो कंट्रोल करना और भी कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। बिकॉज आप किसी की प्लान को, वो तो पेपर पे बनता है, उसका सॉफ्टवेयर बनाना है, लेकिन प्लान के पीछे प्लानिंग क्या है, उस प्लान में कब क्या क्या करना है, उस प्लान में किस तरीके से क्या क्या चीजें समय रहते हुए डालनी है, वो उसको पता होता है जिसने वो प्लान डिजाइन किया है। इट मीन्स मैं हमेशा बोलती हूँ कि नेहा कक्कड़ के पास बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा गाना गाती है, राइट? उसके गाए हुए गानों को बहुत सारे लोग कॉपी कर सकते हैं, गा सकते हैं, लेकिन नया गाना नेहा कक्कड़ ही गाएगी, और सामने वाला उसे तब गाएगा जब वो नेहा कक्कड़ की आवाज में उसे सुन चुका होगा। इट मीन्स जिस व्यक्ति ने जिस प्लान को डिजाइन किया उसे पता है कि उसमें अब नया क्या करना है, उसमें अब बेस्ट क्या करना है, उसमें अब क्या ऑफर डालना है, उसमें अब क्या प्लानिंग डालनी है। गॉट माई पॉइंट? द सेकेंड पार्ट इज, पहली ऐसी कंपनी मिली जिस कंपनी का सीईओ क्लोजिंग के लास्ट डेट पर आकर बोलते हैं कि बल्क परचेज क्राइम है। सोचिए, मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रही हूं जिन पॉइंट्स ने ओके लाइफ केयर को ओके लाइफ बनाया है, ओके लाइफ केयर रेवोल्यूशनरी कंपनी बनाया है, और वो इसका पॉइंट था बहुत बड़ा, बल्क परचेज इज अ क्राइम। ये तो यहां पर सीईओ आकर ये बोलते हैं कि बल्क परचेज करना क्राइम है। सोचिए, क्लोजिंग वाले दिन आकर और बल्क परचेज ना हो इस कारण पहली ऐसी कंपनी जिसमें रैंक नहीं है बॉस, रैंक में मतलब कास्टिज्म नहीं है, ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का खत्म कर दिया पूरा, या हर एक व्यक्ति समान है, जहां जो सेल दे रहा है उसको पैसा आएगा, बाकी कोई रैंक सिस्टम नहीं है, सिंपल। बिकॉज मैंने भी काम किया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर रैंक वाली कंपनी में, और वहां पर ठीक है कंपनी का अपना लेवल होता है लेकिन लीडर उसको ना अलग तरीके से यूज करते हैं, रैंक बेचना शुरू हो जाता है। सोचिए, प्लान में प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते, प्लान में रैंक बेची जाती है, तुम ये बन गए तो ऐसा होगा, ये सम्मान होगा, अरे ये होगा, अरे बताओ, खुद सोचो, रैंक बिकती है, फिर रैंक बेचने लग जाते हैं लोग, रैंक ही नहीं रखी कंपनी ने, बोला आप करवा के दिखाओ बल्क परचेस, मतलब टोटली बल्क परचेस के खिलाफ व्यापार, मतलब व्यापार, प्योर व्यापार ओके लाइफ केयर में होने लगा। बल्क परचेज के खिलाफ आवाज उठाई, रैंक सिस्टम को नहीं रखा, इजी पे आउट प्लान बनाया, 50,000 मैचिंग, 6 महीना जो कर लेते हैं वो 7वें महीने से कंपनी की सारी इनकम को इंजॉय करते हैं। वेरी इजी प्लान, इजी अचीवेबल प्लान, राइट? इसके अलावा पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण, बिना क्लोजिंग के पे आउट अकाउंट के अंदर आया, ये बहुत बड़ी बात है। और भारत इतिहास में डायरेक्ट सेलिंग के ये पहली बार हुआ है, क्लोजिंग नहीं हुई लेकिन पे आउट आए थे अप्रैल में लोगों के अकाउंट में। मार्च में आप सब लोगों को पता है कि 22 तारीख में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन में पहले ऐसे सीईओ थे जो लाइव आकर ये बोलते हैं कि व्यापार नहीं करना, बिजनेस नहीं करना, आप सब लोग अपने घर बैठे, हमें कोरोना की चैन को तोड़ना है, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकले, कोई प्रोडक्ट का अप डाउन नहीं करे, बिकॉज छूकर वो डब्बे से भी टच हुआ, टच होकर वो आपके घर आया, आपके घर से वो आपकी फैमिली में फैला, फिर वो किसी को बॉक्स देने गए या प्रोडक्ट देने गए तो चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। पहली ऐसी कंपनी, लेकिन नेटवर्क का फिर भी कहां किसी की सुने, हमने तो रास्ते निकाल लिए, जूम पर मीटिंग करी, फेसबुक पर मीटिंग करी, ग्रुप मीटिंग करी, आसपास के टीपीयूसी सेंटर्स थे, राइट, वहां पे जिससे जितना हो सकता था कंपनी लेवल पर, लेकिन पहली बार एससीओ ने आकर ये आवाहन किया, ये रिक्वेस्ट किया कि व्यापार बाद में जान है तो जहान है। और सच में वो वक्त ऐसा था कि वो बहुत डरावना वक्त था, एक पल को तो मैं भी डर गई थी कि अब क्या होगा,
बिकॉज हम सब लोग घर के अंदर लॉक और टीवी देखे जाए, और टीवी में क्या होता है आप सब लोगों को पता है, इतना डर का माहौल। और नेटवर्कर के साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि नेटवर्कर को उनका भाई उनका बहन, सॉरी कोई भी नेटवर्कर बुरा ना माने, बिकॉज मैं भी नेटवर्कर हूं और मैं जानती हूं आप ही की तरह हूं अभी, तो कोई भी नेटवर्कर भाई या बहन बुरा ना माने, हम नेटवर्कर को हमारे मम्मी पापा भाई बहन हमारे रिलेटिव राइट, बुखार जुखाम पेट दर्द कुछ नहीं रोक पाता काम करने से, हम रुकते ही नहीं है काम करने के लिए, हम घर से भाग जाते हैं, फिर कोरोना की क्या औकात, कोरोना कैसे रोक लेता हमको। ऐसा पहली बार कंपनी के सीईओ जिन्होंने हमें बोला रुक जाओ क्लोजिंग नहीं करनी, अब जब क्लोजिंग होनी नहीं है तो आप और मैं भाग के क्या करेंगे आप मुझे बताओ, क्लोजिंग एक्सटेंड करेंगे, अब आप क्यों भागेंगे, किस लिए भागेंगे, क्लोजिंग के लिए तो भागते ना, 22 तारीख मतलब 30 तारीख तक क्लोजिंग होनी थी। बट थैंक्स टू गॉड पहली बार एक कंपनी के सीईओ को व्यापार के अलावा बहुत कुछ सोचते हुए हमने देखा यार, इसीलिए ना ओके लाइफ केयर दिल से काम करने का मन करता है, इसलिए ओके लाइफ केयर में जो लोग लीडर काम कर रहे हैं वो इतने दिल से दिल की गहराइयों से थैंक्स करते हुए ओके लाइफ केयर में काम करते हैं, बिकॉज यहां पर हमें सीईओ का कैरेक्टर नजर आता है, यहां पर हमें सीईओ के अंदर वो अपनी टीम के प्रति अपने लोगों के प्रति प्यार नजर आता है कि वो सिर्फ हमसे व्यापार के कारण कनेक्ट नहीं है, वो हमसे बहुत सारी चीजों के कारण कनेक्ट है, वो फिर एथिक्स हो, वो फिर अपने लीडर का सम्मान हो, वो फिर चाहे पॉजिटिविटी हो, वो फिर चाहे बल्क परचेज के खिलाफ बात करना हुआ हो, चाहे वो रैंक के ना देने के खिलाफ बातें हुआ हो कि रैंक नहीं देनी है, वो फिर चाहे साइड मेंटेनेंस के खिलाफ बातें की हो, चाहे प्राइस पर बात की हो, मतलब समझ में आता है कि बंदा ना कुछ यूनिक है, बंदा ना कुछ अद्भुत है, और सच में ये क्वालिटी डी के सर के अंदर है। और उन्होंने उस समय मार्च में किसी भी तरीके के व्यापार की बातें नहीं करी, सभी लीडर को घर पे रुकने की बातें की, घर पे ठहरने की बातें की, बट पैसे तो चाहिए क्योंकि घर पे रुके तो ऐसा थोड़े पैसे नहीं चाहिए होंगे। तो 22 तारीख तक जितना जो बिजनेस लोगों का हुआ था उस बिजनेस के अकॉर्डिंग अप्रैल में विदाउट क्लोजिंग लोगों के अकाउंट में पे आउट आए 7-8 तारीख में। हैट्स ऑफ टू डी के सारन सर, और ये मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली बार हुआ था, ये रेवोल्यूशन है सच में, ओके लाइफ केयर इज अ रेवोल्यूशन इन 21st सेंचुरी एथिकल। मैं अगर बात करूं तो पहली बार ऐसी कंपनी में देखा हमने जिसमें नो टर्मिनेशन पॉलिसी है, अदरवाइज कोई कंपनी का लीडर दूसरी कंपनी का सिर्फ प्लान देख ले उसका आईडी ब्लॉक हो जाता है। और यहां हमारी कंपनी के अंदर देखिए कोई भी कंपनी ऐसी नहीं बनी, नंबर वन हो नंबर टू हो नंबर थ्री हो नंबर फोर हो चाहे नंबर लास्ट, जहां पे लोग छोड़ेंगे नहीं, लोग तो छोड़ेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर पे बोला भी जाता है आईबीओ इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर राइट, स्वतंत्र है नेटवर्कर, वो किसी का गुलाम नहीं है, उस पर ठप्पा नहीं लगा तो यही काम करेगा राइट। किसी भी कारण से कई बार मन मुटाव से, कई बार पर्सनल परेशानी से, कई बार किसी भी कारण से राइट, कई बार अपलाइन ट्यूनिंग के कारण भी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है काम ना करे हमारे साथ लॉन्ग टर्म, लेकिन उसके बावजूद अगर उसका कोई पे आउट बन रहा है ओके लाइफ केयर के अंदर तो वो होल्ड नहीं होता, उसके अकाउंट में जाता है। सोचिए वो होल्ड नहीं होता, उसके अकाउंट के अंदर जाता है। आज ऐसे दो एमडी हैं, एमडी समझते हैं ना, हमारी कंपनी में उन्होंने 2-4 महीने काम किया, अभी वो लोग अपनी कंपनी चला रहे हैं, लेकिन सौभाग्य है 2-4-5 महीना काम करके अगर किसी की दो टीम बन जाती है तो सौभाग्य है ना, 110% सौभाग्य है किसी का, और उसकी सेल जा रही है तो उसकी आईडी पर पे आउट बनेगा। उन दो एमडीओ को पे आउट जाता है जिसमें से एक को 48,000 और एक को 78,000 रुपए जाते हैं, यानी ओके लाइफ केयर एक पहली ऐसी कंपनी है जो एमडी को सैलरी देती है, दो एमडीओ को सैलरी जाती है हमारे यहां से, सैलरी इन द सेंस उनका बिजनेस हो रहा है उनको पे आउट जा रहा है। वी वर्क ऑन नो टर्मिनेशन पॉलिसी। यहां पर डी के सहारनसर हमेशा बात करते हैं कि प्लान पैसा देता है, डी के सहारन पैसा नहीं देते, वो प्लान है, उस प्लान के अकॉर्डिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर उनको बिजनेस जा रहा है उनकी आईडी पे तो उनको पैसा बनेगा, सिंपल। नाउ द पार्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, देयर इज नो हेलीकॉप्टर एंट्री। हेलीकॉप्टर एंट्री समझते हैं ना, ऊपर से लैंडिंग करा देना, या बड़े से बड़ा कोई भी लीडर आएगा उसे किसी लीडर के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा और जीरो से ज्वाइन करना पड़ेगा। कंपनी लेवल पर कोई भी आईडी ट्रांसफर की पॉलिसी नहीं है, सोचिए दो लेग में नो आईडी ट्रांसफर, नो स्ट्रक्चर शिफ्टिंग, सोचिए अल्टीमेट। हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं देते, किसी बड़े लीडर को उठाकर ऊपर नहीं बैठाते, यहां सबके लिए, मेरे लिए भी आपके लिए भी सबके लिए समान नियम है,
कई बार बहुत सारी टीम मुझे कॉल करके बोलते हैं कि मैम प्लीज कॉल करके ना, वो मेरे को बोलती है कि कोई कुछ काम होता है, एक एग्जांपल वो काम उनको करवाना है, जैसे हमारे यहाँ पर अगर पैन कार्ड में गड़बड़ हो गया, मतलब ज्वाइनिंग के समय पैन कार्ड को आपको सही लगाना होता है, ज्वाइनिंग के समय पैन कार्ड में कुछ गड़बड़ हो गया, अब वो पैन कार्ड ठीक कराने के लिए कंपनी के अंदर ऑप्शन क्या है कि आपने ज्वाइनिंग के समय सारी डिटेल ढंग से देख के भरनी है, खास तौर पे पैन नंबर और नाम, अगर गलत हो गया है तो करेक्शन का ऑप्शन नहीं है। अब बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं मैम आप करा सकते हो, प्लीज करा दो। सीरियसली यहां सबके लिए समान नियम है, मुझे ये चीज बहुत पसंद आती है। मैंने बोला ना नो कास्टिज्म, बड़ा लीडर है तो उसकी चलेगी, छोटा लीडर है तो उसकी नहीं चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए समानता है, सबके लिए सेम प्लेटफॉर्म है, सबके लिए सेम नियम है। दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग, राइट। पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 426 कंपनियां इस समय राइट नाउ रजिस्टर्ड है मेरे अकॉर्डिंग एमसीए की वेबसाइट पे। मुश्किल से 30 से 35 कंपनियां जो टाइम पर अपना टीडीएस जीएसटी और पे आउट देती हैं लीडर को, टीडीएस जीएसटी और पे आउट। फॉर्चुनेटली ओके लाइफ केयर उस कंपनियों में से आती है जो टाइम पर अपने टीडीएस जीएसटी और लीडर्स के पे आउट को देती है। ये लीगलिटीज हमें और स्ट्रांग बनाती है। एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, मुश्किल से पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 8 से 10 कंपनियां हैं जो डीपीयूसी सेंटर्स ओपन होते हैं। आपको सबको पता होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अमूमन इंडियन कंपनीज के अंदर सेंटर्स ओपन होते हैं, छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं जहां पे कोई इसको मिनी फ्रेंचाइजी बोलता है, कोई फ्रेंचाइजी बोलता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो जो भी हमारी डीपीयूसी यानी 5 लाख, आरपीयूसी यानी 25 लाख के सेंटर ओपन होते हैं विदाउट कंडीशन इफ एंड बट, अगर कोई रिटर्न करना चाहता है तो रिटर्न करे, उसका पैसा जाता है उसको, उसका पैसा उसके अकाउंट में जाता है। 8 से 10 कंपनियां ऐसी हैं जो डीपीयूसी यानी सेंटर्स के पैसा लौटाने की ताकत रखती है। वी आर दी कंपनी जो आज तक जितने भी सेंटर के पैसे हैं वो सेंटर के पैसे अपने किसी प्रोडक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी यूज नहीं किए कंपनी ने, वो एक अलग से अकाउंट है जिसके अंदर वो सेफ रहते हैं पैसे। सोचिए, भगवान ना करे कि अगर कंपनी की सभी डीपीयूसी और आरपीयूसी भी वापिस करने हो, आज ही अगर वापिस करने हो तो कंपनी इमीडिएट पैसा है उसके पास, वो दे सकती है। मोर देन 95% कंपनियां इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उनके पास पैसे नहीं होंगे उस समय वापिस करने के लिए। सोचिए, वी आर दी कंपनी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो के लाइफ केयर को ना एथिकल से भी ऊपर एथिकल बनाती है, सुपर से भी ऊपर एथिकल बनाती है। पता है कारण? नीयत बहुत प्योर है, नियत सच में बहुत प्योर है। बाकी तो सब टेम्परेरी चैलेंज होते हैं, वो तो जब आप काम कर रहे हो तो होगा, मैं इंसान हूं तो बीमार पड़ूंगी, राइट। लेकिन वो बीमारी मैं कितने देर में कंट्रोल कर लेती हूं, वो मैं कितनी बार होती हूं, ये मेरे ऊपर है। मैं कितना अपना ख्याल रखती हूं, मैं कितना अपने रूटीन का ख्याल रखती हूं, राइट। छोटा सा जब चैलेंज हुआ तो उसमें मैं अपनी कितनी टेक केयरिंग करती हूं, वो उसके ऊपर है। इट मीन्स चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस नियत वाइज है या वो चैलेंज सच में चैलेंज है, ये देखना होता है। ओके लाइफ केयर की नियत बहुत प्योर है, बहुत प्योर है, मतलब बहुत प्योर है। और ये नियत प्योरिटी के कारण पता है क्या हुआ, ये जो इन्होंने एथिक्स के ऊपर काम किया, प्राइस वॉर पे काम किया, इन्होंने जो बिजनेस में जो प्लान बनाया 2 लाख का, जो जनरेशन प्लान बनाया, डेप्थ बिल्डिंग पर कैरियर बिल्ड करा, राइट, 50,000 मैचिंग पर सारी इनकम के जो गेट ओपन कर दिए, इन्होंने जो बल्क परचेज के खिलाफ बातें की, इन्होंने जो हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं दी, रैंक सिस्टम नहीं रखा, पे आउट को टाइम पर दिया, टीडीएस जीएसटी को टाइम दिया, तो उसके कारण हुआ क्या? उसके कारण जो हुआ वो सच में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। और वो पता है क्या हुआ, पहली बार किसी एथिकल प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान के अंदर 4 साल के अंदर 40 लाख महीना पे आउट कमाने वाला व्यक्ति आ गया। हमने इन सब चीजों का ध्यान रखा, इसी कारण पहली बार 4 साल के अंदर 4 लोग 20 लाख से ऊपर पे आउट हो गए। जनरेशन प्लान के अंदर बात कर रही हूं मैं आपको, मैं उसमें बात कर रही हूं जिसमें आपको ऐसे प्रोडक्ट्स जो दिख रहे हैं ना, ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जहां पर आपको ये 100 रुपीज में, 100 रुपीज में फेस वॉश मिलता है 100 ml का, जहां पर आपको 90 रुपए में नीम तुलसी फेस वॉश मिलता है, जहां पर आपको
70 रुपए का ये ऐसा हेयर ऑयल मिलता है जो हेयर फॉल में जबरदस्त काम करता है, जहां पर आपको आधी किलो हैंड वॉश 179 रुपीज में मिल जाता है, हेलो हैंड करके ये 179 रुपीज में आपको मिल जाता है, जहां पर आपको 200 रुपए का आधी किलो शैंपू मिलता है, 200 रुपए का आधी किलो शैंपू आयुर्वेदिक शैंपू, जितने भी जिनके सिल्की बाल हैं मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप इस शैंपू का यूज करो, आपको इस शैंपू से प्यार हो जाएगा, जिनके भी सिल्की बाल हैं, जिनके ड्राई हेयर हैं मैं उन्हें रिकमेंड करूंगी कि वो लोग जो है हेयर वॉश यूज करें, बैटर यू का हेयर वॉश, जैसे मेरे ड्राई हेयर है तो मैं इसे यूज करती हूँ, ड्राई हेयर वाले इसे यूज करें। पहली बार ऐसी कंपनी मिली जो 48 रुपीज में फुली आयुर्वेदिक कफ फाइटर देती है, फुली आयुर्वेदिक 48 रुपीज का कफ फाइटर, राइट, मिरेकल रिजल्ट है, अल्टीमेट रिजल्ट है। ओके, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट, क्या क्या बताऊं आपको क्या नहीं बताऊं। मैं मसालों की बात करूं तो ऐसे मसाले जो नॉन जीएमओ सर्टिफाइड एंड यूएसडीए अप्रूव्ड, नॉन जीएमओ सर्टिफाइड एंड यूएसडीए अप्रूव्ड आपको क्या देती है, आपको मसाले देती है। जरा करके तो आइए इसके बारे में स्टडी कि व्हाट इज द नॉन जीएमओ सर्टिफिकेशन एंड व्हाट इज द यूएसडीए अप्रूवल, किन किन मसालों को मिला हुआ है बाजार के अंदर, जिन मसालों को मिला हुआ है उनके रेट क्या है, जिन मसालों को नॉन जीएमओ और यूएसडीए दोनों बोथ ध्यान देना, यूएसडीए है लेकिन नॉन जीएमओ सर्टिफाइड सब नहीं है, जो ये सर्टिफिकेशन है जिनके पास में उनके मसाले कितने हैं, हमसे 40-40% कॉस्टिंग ज्यादा है उनकी, मींस प्योर कोल्ड ग्राइंडिंग एंड हल्दी, मतलब हल्दी की गांठ, अब जैसे हल्दी की गांठ में हल्दी कितनी बड़ी भी होती है, ओरिजिनल हल्दी इतनी इतनी होती है, राइट, और अमूमन हल्दी में क्या होता है, हल्दी के अंदर पार्ट होता है क्रुकमिन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रुकमिन निकाल के तो बाजार में दवाई वालों को बेच दिया जाता है, और हल्दी का ऊपर ऊपर पार्ट पीला पीला हमें दे दिया जाता है, आप पीले के लिए हल्दी नहीं खाते, आप क्रुकमिन के लिए हल्दी खाते हैं, कितने परसेंट क्रुकमिन है हल्दी के अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, फिर उसके बाद रेट कंपैरिजन कीजिए तो मजा आ जाएगा आपको। इन शॉर्ट मैं अगर आपको बोलूं तो प्रोडक्ट्स पर लगातार इतने अच्छा काम किया इन्होंने, प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग अगर आप देखो, मसालों की पैकिंग देखो, आप शैम्पू की पैकिंग देखो, आप 48 रुपए के कफ फाइटर की पैकिंग देखो ना, आप ये देखो ना, ये 90 रुपए का फेस वॉश क्या गजब पैकिंग है, इसकी एमआरपी है आई थिंक 130 रुपए, यानी इसकी एमआरपी को ये जो है ना जस्टिफाई करता है ये प्रोडक्ट हमारा। कई बार लोग बोलते हैं बॉटम के लिए क्या, बोला बॉटम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिटेल इनकम होती है, उसे टीम बनाना बहुत मुश्किल है लेकिन उसे प्रोडक्ट प्रमोट करके रिटेल इनकम कमाना बहुत आसान है, वो काम करे ना इस पर 40 रुपए कमाता है सीधे 40 रुपए इसके ऊपर एक फेस वॉश के ऊपर, ऐसे उसने पूरे दिन में 10 फेस वॉश निकाले तो 400 रुपए कमा लिए, 400 रुपीज। और जो सच में नेटवर्क के ऊपर बात करना चाहता है तो नेटवर्क पर बात करे, फिर नेटवर्क बनाकर 1000 लोगों का नेटवर्क बनाया, उन्होंने 1000 रुपए के प्रोडक्ट लिए तो क्या टर्नओवर होगा, क्या इनकम आएगी, कल वो 10,000 का नेटवर्क बनेगा जब 10,000 लोग सिर्फ 1000 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो क्या इनकम आएगी, कल वो 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क होगा, 1 करोड़ लोग 1000 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो क्या इनकम आएगी, आधी ज्यादा कंपनियां साइड मेंटेनेंस में, आधी से ज्यादा कंपनियां आपके डेप्थ कटिंग में उसका प्रॉफिट देंगी ही नहीं, यानी सेल मल्टीप्लाई हो रही है, टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, इनकम मल्टीप्लाई नहीं होगी। ओके का प्लान ऐसा है कि आपने डेप्थ बिल्ड कर दी ना तो आपको सेल मल्टीप्लाई का भी और टाइम मल्टीप्लाई का भी बेनिफिट 110% मिलेगा, और प्रोडक्ट के रेट ऐसे है ना, लोग इसे खरीदते हैं, लोग इसे इसलिए नहीं खरीदते कि ये डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है, लोग इसलिए इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनका पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, प्राइस इफेक्टिव प्रोडक्ट है, बाजार से कॉम्पिटिशन लड़ने लायक ये प्रोडक्ट है, क्वालिटी वाइज भी, प्राइस वाइज भी, पैकेजिंग वाइज भी, राइट, और लगातार इस कारण बिना ऑफर के, बिना बोनेंजास के जो है हमारी सेल बढ़ती है और इनकम आती है, और ये कारण से आज ओके लाइफ केयर के अंदर जैसा मैंने आपको बताया 4 साल के अंदर 40 लाख प्लस पे आउट वाला, 4 साल के अंदर 4 लोग 20 लाख प्लस पे आउट पर, 4 साल के अंदर 10 लाख कमाने वाले 12 लोग हैं हमारी कंपनी के अंदर, 4 साल के अंदर 60 लोग ऐसे हैं जो 2 लाख से ऊपर महीना कमा रहे हैं। ये क्यों कर पाए हम, इसीलिए कर पाए बिकॉज हमने अपने एथिक्स पर कभी भर खिलवाड़ नहीं किया, हमने हमारे एथिक्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जो नियम है वो सबके लिए है, राइट, और क्या कर रही है कंपनी लगातार, जैसे आपने देखा होगा कि पहली हमारी ऐसी कंपनी बनी जिसने लगभग 2.5 एकड़ पर 4 साल के अंदर जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया ना, वो बहुत अल्टीमेट है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.25 एकड़ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना हेड ऑफिस बनाया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारी लाइव वीडियो में आपने देखा होगा, और मैं जब दोबारा जाऊंगी तो कोशिश करूंगी मैं आपको फिर से लाइव करूं,
लगातार न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च करना, जिसमें अभी पूरी बेबी की रेंज लॉन्च की है, बेबी डायपर, बेबी ऑयल, बेबी लोशन, बेबी का रशेस क्रीम, राइट, मतलब लगातार बेबी के रेंज, लगातार इतनी जबरदस्त क्वालिटी, पेटा अप्रूव्ड क्वालिटी को लॉन्च किया लगातार प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इतना गजब काम कर रहे हैं, राइट, रेगुलर बेसिस पर। और अभी बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड हुआ है जो डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में आज भी 25-25 साल की कंपनियों के पास में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जितना बड़ा हम वेयर हाउस लेकर आ रहे हैं। बहुत जल्दी शायद उसकी लॉन्चिंग है, हालांकि ऑर्डर लगना शुरू हो चुका है उस वेयर हाउस से, उसका कोड है WRG02, राइट, और उस कोड से ऑर्डर लगने लगा है। इतना बड़ा वो वेयर हाउस है कि वो 250 करोड़ के टर्नओवर को उसी एक जगह से, मदर वेयर हाउस से सर्विस प्रोवाइड करा सकता है। और जिसमें मैं अगर आपको बात करूं स्टाफ की, तो स्टाफ ऐसे स्टाफ जो हिंदुस्तान लीवर कंपनी को सर्विसेज देते हैं लॉजिस्टिक वाइज, सोचिए, जो ऑलरेडी किसी कंपनियों के 250 करोड़ 500 करोड़ के टर्नओवर को मैनेज कर रहे हैं, वहां से लॉजिस्टिक के हमारे पास में स्टाफ है। किस लेवल पर लगातार कंपनी अपने CRM लेवल पर, लॉजिस्टिक लेवल पर लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने स्टाफ को बिल्ड कर रही है। ये सबका जो कॉम्बो है ना, उसके बाद हमारी शानदार लीडरशिप, एक के बाद एक बेहतरीन लीडरशिप, एक के बाद एक अच्छी लीडरशिप जो आ रही है। अभी रिसेंट में ही एक बहुत अच्छी कंपनी के लीडर, बहुत अच्छी कंपनी के लीडर वहां से 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, राइट। रिसेंट में 2-3 लीडर फिर से अभी इसी दिवाली के बाद में हमारे साथ फिर कनेक्ट हुए, इससे पहले भी लगातार कई लीडर हमारे साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो ये जो अच्छे लीडर्स हैं, पहली बात तो ये आएंगे किस कंपनी में, उस कंपनी में आएंगे जिस कंपनी में चीजें उनको समझ में आ रही हो, जिसका जिस कंपनी उनका भविष्य दिख रहा हो, जिस कंपनी में उनकी ग्रोथ दिख रही हो, उनकी टीम की ग्रोथ दिख रही हो, साथ में कंपनी लेवल पर ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, CRM बिल्ड करना, लॉजिस्टिक बिल्ड करना, ये सबका जो कॉम्बो है ना, ये सबका जो कॉम्बिनेशन है, इस सबका जो संयोग है, ये इतनी तेजी से ग्रोथ लेके आ रहा है, जो ग्रोथ इस इंडस्ट्री के लिए एक रेवोल्यूशन है, एक इतिहास बन रही है। सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं माई डियर फ्रेंड। और इन्हीं सब के कारण, डे बाय डे ओके ग्रो कर रही है, ओके के लीडर ग्रो कर रहे हैं, ओके के लीडर्स के चेक ग्रो कर रहे हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, बट फिर भी अगर आप जो अगर दूसरी कंपनी से हैं या अभी ओके लाइफ केयर के पार्ट नहीं है, बट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों से सिर्फ एक अनुग्रह करूंगी, एक रिक्वेस्ट करूंगी, शर्माइए मत, घबराइए मत। आपकी जान पहचान में कोई भी अगर ओके लाइफ केयर का लीडर है, उसके साथ एक बार बैठिए, ये यकीन मानना कि ग्रोथ के पीछे और लगातार ग्रोथ के पीछे, एक बार ग्रोथ के पीछे शायद बल्क परचेज कारण हो सकता है, शायद कंपनी का कोई ऑफर कारण हो सकता है, शायद कोई बोनिंजा कारण हो सकता है, लेकिन लगातार और एक लीडर नहीं, कई लीडर के ग्रोथ होने का कारण शायद लॉजिकल होगा, शायद अच्छा होगा, और उस कारण को समझने का प्रयास कीजिए। आशा करती हूं कि आपके सवाल शायद क्लियर हो जाए और भगवान की कृपा से आपकी जिंदगी के अंदर भी वो खुशियां आनी शुरू हो जाए, जिन खुशियों के चाहत में, जिन खुशियों के लिए आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे, जिन खुशियों के लिए आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एज अ करियर बिल्ड कर रहे थे, और वो शायद यहां पर आकर आपकी तलाश पूरी हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, कनेक्ट विद ओके लाइफ केयर लीडर, आशा करती हूँ और ये भगवान से प्रेयर करती हूँ कि आपको बहुत सारी कामयाबी हमारी कंपनी में हमारे साथ मिले। और मेरे सभी ज्वाइन लीडर का थैंक यू करती हूँ, मेरे सभी ज्वाइन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों के साथ के कारण ये सब पॉसिबल हो रहा है। और हम सारे त्योहार को सेलिब्रेट कर चुके हैं और अब फिर से इस महीने की क्लोजिंग का वक्त आ चुका है, बेहतरीन क्लोजिंग करके अगेन एक अच्छी इनकम को एंजॉय करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।